प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आए फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया भव्य स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच 45 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे सर्किट हाउस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। कहा, प्रेस नहीं साहित्य का मंदिर है गीता प्रेस। सनातन धर्म को व संस्कृति को बचाए रखने में गीता प्रेस की मंदिरों तीर्थस्थलों जितनी है महत्वपूर्ण भूमिका। धर्म व शासन के समाहित रूप हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रपति का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच वाहन से उतरे महामहिम, बढ़ाया कलाकारों का हौसला। राष्ट्रपति की अगवानी में 101 वेद पाठी विद्यार्थियों ने किया वैदिक मंत्रोच्चार। गोरखनाथ मंदिर में महामहिम ने की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थली पर टेका मत्था, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गौशाला जाकर राष्ट्रपति ने की गोसेवा। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के साक्षी बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामगढ़ ताल में साउंड एंड लाइट शो का लिया आनंद। बच्चों से मिले राष्ट्रपति, बातचीत कर खूब पढ़ने आगे बढ़ने को बच्चों को किया प्रेरित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए, निर्विरोध निर्वाचित होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा, प्रदेश की जो भी समस्या होगी उसको सदन में उठाने का किया जाएगा काम। शीर्ष नेतृत्व के दिए गए दायित्वों का ईमानदारी से करूंगा निर्वहन। और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 3.5 किलो की पुस्तक सचित्र रामचरितमानस व कल्याण का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया विमोचन।